रहे हैं मेरे पापा, जो कि अभी बगीचे में हैं। और ये इन्होंने पूरा जो है एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये नर्सरी तैयार की है हर एक वेजिटेबल्स की, जैसे मिर्च हो गया, बैंगन हो गया, शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, प्याज है, लहसुन है, करेला है, घिया है, लौकी है, तो तोरी, स्क्वैश, जितनी भी आइटम्स है, मुझे तो आधे से ज़्यादा नाम भी नहीं आते चीज़ों के, तो हर एक चीज़ उन्होंने यहाँ घर पे तैयार की है। ये देखिए पूरे बगीचे में आपको बस नर्सरी की हर एक जो वेजिटेबल्स होती हैं वो नर्सरी में यहाँ तैयार करते हैं। ये रही घर में जो आंगन में लगाई गई है, ये देखिए मैं आपको इन सब के नाम बताऊंगी और नज़दीक से भी दिखाऊंगी कि कौन कौन सी जो वेजिटेबल्स हैं बेल में और जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, तो वो मैं आपको उन सब के नाम बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको दिखा दूं पूरे एरिए में कि यहाँ नर्सरी कैसे तैयार करते हैं हमारे पापा मम्मी। ये प्याज देखो पापा अभी ना ताज़ा ताज़ा निकाल के लेके आए बगीचे से। सो देखिए साइज देख सकते हो आप, ये अभी छोटा है, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन पापा फिर भी निकाल के लेके आए, पता नहीं क्यों। साइज बहुत ही बढ़िया है, देखिए में गए थे प्याज निकालने के लिए, तो ये मुझे घर के लिए देने वाले हैं बैग में भर के। तो ये देखिए मेरे लिए पापा बगीचे में प्याज निकालने गए थे, तो अभी मैं आपको बगीचे में जाके भी दिखाऊंगी कि पापा मम्मी ने बगीचे में क्या क्या लगाया है। चलिए, मम्मी पापा ने घर पे जो जो वेजिटेबल्स की नर्सरियाँ तैयार की है वो मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ कि यहाँ के लोग कितने ज़्यादा मेहनती है। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ कि यहाँ घर पर कौन कौन से प्लांट्स जो है वो उन्होंने लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं घर से शुरुआत करूँगी, जो घर के आंगन में पापा ने पॉली बैग्स में नर्सरी तैयार की है वो मैं आपको दिखाऊँगी। चलिए, मैं यहाँ से शुरुआत करूँगी। ये है घिया का पौधा तैयार किया गया है, और ये है लौकी, और ये रहा करेला, और साथ ही में यहाँ पर लगाया गया है ये भी है करेला। करेला की एक्चुअल में वैरायटीज अलग अलग हैं,
एक मीठा करेला हो गया, एक जो नॉर्मल करेला होता है कड़वा करेला वो, और इसके साथ ही में है ये जो यहाँ पर प्लांट लगाया गया है, ये है स्क्वैश। देखिए ये रहा स्क्वैश का प्लांट, और इसके साथ ही में जो यहाँ है ये रहा तोरी। देखिए कुछ इस तरीके का रहता है, कई लोगों का कहना होता है कि उन्होंने तोरी का जो प्लांट्स है वो नहीं देखा है वो कैसा होता है, तो वो कुछ इस तरीके का रहता है तोरी का प्लांट। ये देखिए और ये भी घिये का प्लांट है। देखिए तो, और ये यहाँ पर एक फ्लावर का ट्री है बहुत बड़ा सा, ये देखिए इस पे रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो ये हाइट में बहुत ज़्यादा होता है लेकिन ये अभी छोटा है, तो फिर भी इस पे इतने ज़्यादा फ्लावर्स आए हैं, ये देखिए जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और यहाँ पर भी घिया जो है वो लगाया गया है, ये देखिए, और इसके साथ ही में बहुत से फ्लावर्स लगाए गए हैं। देखिए एलोवेरा गुलाब का है, ये बाकी इन फ्लावर्स के नाम मुझे नहीं आते, ये पता नहीं क्या होंगे। कि जब नर्सरी तैयार करते हैं तो कुछ ऐसे छोटे छोटे से पॉलीबैग्स किए जाते हैं, तो उनमें बीज डाला जाता है, तो उसके बाद जो पूरा प्रोसेस रहता है वो सब किया जाता है इन छोटे छोटे पॉलीबैग्स में। तो ये यहाँ पर कुछ फूल लगाए गए हैं, साथ ही में टमाटर भी है नर्सरी। हाँ, और ये रहे फ्लावर्स, देखिए, और ये रहा तुलसी, और ये रहा तुलसी माता का पौधा, देखिए इस पर भी फ्लावरिंग हुई है, देखिए फूल उगे हुए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे। और इन्हीं फ्लावर्स के साथ ही में है हमारा पूरा जो बगीचे का एरिया है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, तो ये पूरा एरिया नीचे तक जो दिखाई दे रहा है, इसमें पूरी नर्सरी तैयार की गई है, ऐसे ही फ्लावर्स लगाए गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा अमरूद का पेड़, ये छोटा है अभी, ये इससे नीचे वाला इससे थोड़ा बड़ा हो चुका है देखिए, और ये फ्रूट देता है अभी ये वाला पौधा। तो ये रहा खुमानी, तो ये रहा खुमानी का पेड़, और यहाँ पर पुदीना लगाया गया है, देखिए बहुत ज़्यादा पुदीना है। और इसके साथ ही में रही अंगूर की बेल, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है और इसकी ग्रोथ भी हो चुकी है काफ़ी अब। ये रही अंगूर की बेल, और इसके साथ ही में वहाँ लगाई गई है खीरे की बेल, वो देखिए वो खीरा, तीन जगह खीरे की बेल लगाई गई है ये, और इसके साथ ही में है गुलाब का पौधा, और इसके नीचे जो आपको ये वाला पेड़ दिखाई दे रहा है ये है जापानी, तो ये रहा जापानी फल जो कि कच्चा खाया जाता है, और ये वाला पेड़ मैं आपको अभी नीचे जाके दिखाने वाली हूँ क्योंकि इसमें भी फ्रूट्स लगते हैं। सो चलिए अब मैं आपको यहाँ से नीचे का एरिया दिखाती हूँ। ये रहा सौंफ का पौधा, ये देखिए ये भी थोड़ा छोटा है, इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा, यानी कि 4-5-6 फीट के आसपास इसकी हाइट
मैंने देखी है, और इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी मैंने देखी है, 5-6 फीट के आसपास मैंने देखी है इस सौंफ के पौधे की हाइट। देखिए, बहुत से लोगों ने नहीं देखा है सौंफ का पौधा, तो ये देखिए कुछ इस तरीके का रहता है। तो चलिए मैं आपको बगीचे में जाके दिखाती हूँ।